तक काम चलेगा, ऑटोमेटिक है, पैसा मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा बर्बाद होगा। रेलवे के पैसा बंगाली टोलों में सीधा घुसेगा, जिसको कहते हैं मोटा पैकेज, वो भर भर बोरी में आएगा। 2400 घंटा रेगुलर काम, पुल जो बनेगा, ट्रेन बाधे कल्याणपुर बंगाली टोला के बीच बोर्डर पर। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। हम लौटेंगे पिछले कई वर्षों की ओर, पहले इस रिपोर्ट के मुताबिक से देखिए। ये जो पीछे लोकेशन देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक के नीचे से पुल बनेगा। ये लोकेशन कल्याणपुर स्टेशन के करीब नजदीक है, कल्याणपुर बंगाली टोला के बीच बॉर्डर पर पुल बनेगा नीचे से। याद है आपको पिछले वर्ष में बाढ़ के समय में परिचालन एक महीना ठप रही, जिसके कारण से डीएम का आदेश अनुसार से जमालपुर से लेकर भागलपुर के बीच कई छोटे बड़े पुल पुलिया के निर्माण हो रही है। उम्मीद है 6 महीनों में पुल बनकर कंप्लीट हो जाएगा और पुल जो बनेगा ट्रेन बाधित नहीं रहेगा, ट्रेन चलते फिरते रहेगी, ऑन जॉन होते रहेगी, उसके नीचे से काम होते रहेगा। और खास बात यह है कि जब इस रेलवे के नीचे काम होगा तो मान लीजिए 100 व्यक्ति काम करेगा तो 50 व्यक्ति खाना खाएगा, कुछ और काम करेगा, उसके बाद 50 व्यक्ति इसमें लगेगा, यानी 2400 घंटा रेगुलर काम होगा। आज हम बात करेंगे अगस्त 2021 का। रेल यात्रियों की होश तो उस दिन उड़ जाती है जब 20 दिन की परिचालन गतिविधि ठप होने की सूचना मिलती है मालदा मंडल से। मुंगेर जमालपुर भागलपुर की भी सनसनी तो तब फैलती है जब NHSC और रेलवे ट्रक समेत गांव घर टोला मोहल्ला गली कोंटा समेत बाढ़ से तबाही होती है। आखिर इस खौफनाक मंजर को कौन नहीं देखा होगा, किसका रोने कांपता होगा। अगस्त 2021 के बाढ़ में मालदा मंडल DM जांच के मुताबिक से रतनपुर सुल्तानगंज के बीच कई छोटे बड़े पुल पुलिया समेत अप डाउन दोनों लाइन बाढ़ से प्रभावित रहा, जिसके कारण से 20 दिन ट्रेन परिचालन गतिविधि ठप रही। अगस्त 2021 के बाढ़ का मद्देनजर रखते हुए 23 जनवरी 2022 के दिन पुल कार्य निर्माण शुरू हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि साल भर के बाद कामों में उछाल आई। ये जो रेलवे पुल बनेगा, यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। लाभ है कि बाहरी व्यक्ति आएगा, 100, 200, 300 व्यक्ति, तो खाना पीना रहने बैठने की जो व्यवस्था है, और खास उसके लिए तो बनाया, रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन जो दुकानदारी में जो पैसा आएगा, देखिए कितना बड़ी बात हुआ है, रेलवे के पैसा बंगाली टोलों में सीधा घुसेगा, जिसको कहते हैं ना मोटा पैकेज, वो भर भर बोरी में आएगा। फायदा कुछ हानि है कि जो जिसका जमीन है, जमीनों में फसल लगी हुई है, वो थोड़ा सा बर्बाद होगा, और जिसका जमीन रोड में जाएगा उसको तो ऑटोमेटिक है पैसा मिलेगा ही मिलेगा, 4 गुना 5 गुना, उस पैसा से कहीं अदर जगह जमीन ले सकते हैं। ये जो कल्याणपुर बंगाली टोला के बीच रेलवे ट्रैक के नीचे जो पुल बनेगा तो 6 महीनों तक काम चलेगा, 6 महीना काम चलेगा, तो 6 महीनों तक यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों के भारी मोटा रकम में इनकम होगा। कुछ फायदा है कुछ लाभ है, यहाँ पर जो फसल लगी हुई है वो थोड़ा मोड़ा नष्ट होगा, बर्बाद होगा, होगा ही। अगस्त 2021 का बाढ़ मद्देनजर रखते हुए 23 जनवरी 2022 का दिन पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि साल भर के बाद कामों में उछाल आई। यहाँ जो 100-200 व्यक्ति रहेगा, खाना जो खाएगा, राशन जो खरीदेगा, वो पूरा बंगाली टोला में स्रोत बनकर आएगा, दुकानदारों को भारी मोटा रकम में फायदा होगा, फिर आपके साथ आएंगे।